ये चैप्टर 9वां है, हम बना लेते हैं 10वां। सेव कर लूंगा मैं .html, बेसिक सिंटेक्स राइट कर दिया मैंने, ये स्क्रिप्ट टैग ओपन क्लोज। तो जावा स्क्रिप्ट में मैप से भी लूप चलाया जाता है, फॉरिच भी चलते हैं, फॉर भी चलते हैं। मैं अभी सिर्फ फॉर लूप बता रहा हूँ। फॉरिच लूप, मैप, इन सब का इस्तेमाल हम एरे या ऑब्जेक्ट वगैरह के केस में करेंगे। फॉरिन लूप भी होता है, फॉर ऑफ लूप भी होता है। तो ऑब्जेक्ट वगैरह जब पढ़ेंगे, एरे पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम और इस्तेमाल करेंगे। अभी हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर लूप क्या कह, मैं पूरा सिंटेक्स तो अपने आप आ गया, मैं हटा देता हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है। सबसे पहले तो ये हम जान लें कि ये लूप आखिर है किस लिए, लूप क्यों, आखिर लूप का जरूरत क्या है। सिंपल सा बात है, ऐसा कोई काम, ऐसा कोई वर्क जो आपको बार बार करना है, ऐसा कोई वर्क जो आपको बार बार करना है, तो उस काम को आप लूप के जरिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल मैं करूँगा। जैसे मान लीजिए मुझे 5 बार नाम प्रिंट कराना है जावा स्क्रिप्ट, 5 बार मैं प्रिंट करता हूँ जावा स्क्रिप्ट, तो कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे लिख देता हूँ जावा स्क्रिप्ट। तो क्या मैं इसको 5 बार ऐसे कॉपी पेस्ट करूँ? मजा नहीं आएगा ऐसे करेंगे तो। फॉर के वजह से जो है एरर दे रहा है। मैं कमेंट करता हूँ इसको, 5 बार जितना बार भी है 4 बार प्रिंट कर दिया जावा स्क्रिप्ट। तो ये टेक्निक जो है सही नहीं है, तो इसलिए इन सबको मैं कमेंट कर दूंगा। फॉर लूप का जो सिंटेक्स है वो ये है, सेमी कॉलन सेमी कॉलन, 2 बार दे देता हूं। पहले में कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज किया जाएगा, इनिट मतलब इनिशियलाइज किया जाएगा। फिर यहां पे कंडीशन होगा, फिर यहां पे इंक्रीज किया जाएगा वैल्यू या फिर डिक्रीज किया जाएगा। डिक्रीज, मैं स्पेलिंग शायद गलत लिख रहा हूं बट आप मैनेज कर लीजिएगा। तो फॉर लूप का ये सिंटेक्स है, सबसे पहले इनिशियलाइज किया जाएगा वेरिएबल, दूसरा कंडीशन लिखा जाएगा, और तीसरा में वेरिएबल का वैल्यू या तो इंक्रीमेंट किया जाएगा या तो डिक्रीमेंट किया जाएगा। तो मैं इसको करता हूं पहले कमेंट, और फिर जो है इसका उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण देखने के लिए 5 बार हम जावा स्क्रिप्ट प्रिंट कर लेंगे। तो मैं इंट में क्यों लिख रहा हूँ, लेट आई नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें 10 असाइन कर देता हूँ। 10 नहीं, पहले मैं 1 रखूंगा, फिर सेमी कॉलन दूंगा, फिर कंडीशन। तो मुझे लूप कितनी बार चलाना है, 5 बार मुझे जावा स्क्रिप्ट प्रिंट करना था, तो मुझे मतलब 5 बार लूप चलाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, आई लिखूंगा पहले, आई लेस देन इक्वल टू 5, फिर सेमी कॉलन दूंगा, फिर आई प्लस प्लस। तो ये मेरा हो गया कंडीशन, नहीं नहीं सॉरी, ये हो गया मेरा इनिशियलाइजेशन, फिर दूसरा हो गया मेरा कंडीशन, और जो तीसरा है वो हो गया इक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब कंसोल डॉट लॉग कर देता हूं मैं। कंसोल डॉट लॉग में मैं लिख देता हूं जावा स्क्रिप्ट, तो हमारा प्रिंट हो जाना चाहिए 5 बार जावा स्क्रिप्ट। तो 5 बार हमारा जावा स्क्रिप्ट प्रिंट हो गया, ठीक है। अब 5 बार अलग अलग नहीं दिखाई दिया, तो 5 बार यहां पे लिखा गया कि 5 बार हमने प्रिंट कर दिया जावा स्क्रिप्ट, राइट। अगर मैं इसको कम करके 4 लिख देता हूं तो 4 बार ये प्रिंट कर देगा। ये देखिए 4 बार आ गया। समझते हैं हमें कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले ये वाला कंडीशन यहां पे आया, फिर कंडीशन चेक करा,
क्या आई लेस देन इक्वल टू 4 है, कंडीशन ट्रू हो गया, आ गया जावा स्क्रिप्ट, प्रिंट कर दिया। जैसे ही जावा स्क्रिप्ट प्रिंट हुआ उसके बाद आई प्लस प्लस किया, आई का एक वैल्यू बढ़ाया, फिर उसके बाद कंडीशन चेक किया, कंडीशन चेक किया तो आई का वैल्यू कितना हो चुका है, आई इक्वल टू 2 हो चुका है। कैसे, क्योंकि इनिशियलाइज हमने एक किया था और जावा स्क्रिप्ट प्रिंट किया, जावा स्क्रिप्ट प्रिंट करने के बाद कंट्रोल हमारा गया यहाँ पे, और जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल गया तो एक इंक्रीमेंट करा, तो पहले एक था अब यहाँ पे 2 कर दी, वैल्यू 2 कर दिया, तो यहाँ पे अब 2 वैल्यू आ जाएगा, इस तरह से यहाँ पे 2 हो गया होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आया तो आई का वैल्यू अभी क्या है, अभी आई का वैल्यू 2 है। अब 2 लेस देन इक्वल टू 4, तो कंडीशन सही ट्रू हो गया, 2 4 से छोटा है, 2 लेस देन इक्वल टू 4 4, कंडीशन ट्रू हो गया। फिर से यहां आया और जावा स्क्रिप्ट जो है दूसरा बार प्रिंट कर दिया। मैं यहां पे अगर लिख दूं कंसोल डॉट लॉग और जावा स्क्रिप्ट, तो एक बार यहां पे प्रिंट कर दिया, ये पहला वाला स्टेटमेंट है और यहां पे दूसरा वाला स्टेटमेंट है, तो दो बार हमारा जावा स्क्रिप्ट प्रिंट कर दिया है। जैसे ही दूसरा बार जावा स्क्रिप्ट प्रिंट हुआ तो फिर से कंट्रोल आया यहां पे, पहले वैल्यू क्या था, 2 था पहले आई का वैल्यू, अब यहां पे जैसे ही इंक्रीमेंट किया तो इसका वैल्यू जो है 3 हो गया। अब जैसे ही इसका 3 वैल्यू हुआ तो कंट्रोल आया कंडीशन पे और यहां पे चेक किया आई लेस देन इक्वल टू 4, तो आई का वैल्यू 3 है, 3 4 से छोटा होता है, कंडीशन हो गया ट्रू, और फिर से जावा स्क्रिप्ट पे आया और जावा स्क्रिप्ट प्रिंट कर दिया। तो मैं यहां पे फिर से प्रिंट कर देता हूं एक बार जावा स्क्रिप्ट, ये तीसरा बार प्रिंट हो गया, फिर से कंडीशन आया यहां पे, तो वैल्यू कितना था आई का पहले 3 था, जैसे ही इंक्रीमेंट चला तो क्या हो गया, यहां पे हो गया 4, 4 हो गया, तो यहां पे फिर से आया कंट्रोल, अब चेक कर रहा है आई लेस देन इक्वल टू 4, आई का वैल्यू कितना है 4 है, 4 लेस देन इक्वल टू 4, तो पहला में लिखा गया है लेस देन, तो 4 4 से लेस देन तो नहीं होता, 4 4 से छोटा नहीं होता, परंतु बराबर जरूर होता है, तो 4 लेस देन इक्वल टू 4 जो है ट्रू हो गया कंडीशन। और फिर चौथा बार यहां पे प्रिंट कर दिया जावा स्क्रिप्ट, चौथा बार जावा स्क्रिप्ट हमारा प्रिंट हुआ, उसके बाद फिर से कंट्रोल आया यहां पे, आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू है 4, और जब आई का वैल्यू 4 है तो यहां नहीं नहीं आई का वैल्यू अभी था 4, और जैसे इंक्रीमेंट करेगा तो आई का वैल्यू हो जाएगा 5, और जैसे ही आई का वैल्यू 5 होगा तो यहां पे आई लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन फाल्स हो जाएगा। आई का कितना, आई का वैल्यू कितना है 5, तो 5 लेस देन इक्वल टू 4, 5 4 से ना ही छोटा होता है ना ही बराबर होता है, इसलिए कंडीशन हो जाएगा फॉल्स और लूप जो है बाहर आ जाएगा। आई का करंट वैल्यू कितना होगा 4 हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, आखिरी में आई का वैल्यू 5 हो जाएगा। प्रिंट करके देखते हैं क्या सच में जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही चल रहा है प्रोग्राम, देखते हैं करके। और जैसे ही मैं यहाँ पे लेट नहीं, यहाँ पे मैं आई लिखूंगा और यहाँ पे प्रिंट करूंगा तो एरर आ जाएगा, एरर आ गया देखिए, तो इसीलिए मैं आई के जगह पे लेट के जगह पे वायर कर लेता हूँ। चल भाई प्रिंट हो जा, ये देखिए तो आई का वैल्यू जो है 5 हो चुका है। तो इसी तरह से जो है काम करता है, मैं यहाँ पे आता हूँ कॉन्कैटिनेट करके आई का वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ ताकि हमें लाइव दिखाई दे, तो ये देखिए हमें लाइव दिखाई दे रहा है, मैं जावा स्क्रिप्ट को सॉर्ट करके जेएस करता हूं और अब प्रिंट करूंगा, तो ये देखिए जेएस 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, फिर ए वाला जो 5 है ए 5 बाहर वाला लूप का है, करेक्ट। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये लूप समझ में आया होगा। गिनती प्रिंट करना है तो आप सिर्फ आई को लिख लिख दीजिए यहाँ ऐसे,
और फिर इसको चला दीजिए 100 तक, तो क्या होगा, 1 से 100 तक गिनती प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से आप गिनती प्रिंट कर सकते हैं। टेबल प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, ये भी बहुत आसान काम है। मैं टेबल के लिए एक वेरिएबल बना लेता हूँ, टेबल के नाम से यहाँ पे असाइन कर देता हूँ 2, और फिर क्या करूँगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा, इसको चला दूंगा 10 टाइम, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे, टेबल से, चल जा भाई। तो इस तरह से आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और फॉर्मेटेड रूप में अगर बनाए तो कैसा, कैसे बनाएंगे, ये देखिए, और थोड़े से फॉर्मेटेड रूप में तो ऐसे करेंगे, फिर क्या करेंगे, स्ट्रिंग दे दूंगा मैं डबल कोट में ऐसे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दे दूंगा ऐसे, फिर कॉन्केटनेट कर दूंगा, फिर कॉन्केटनेट कर दिया मैंने, फिर कॉन्केटनेट कर दिया स्ट्रिंग के साथ, और यहाँ पे लिख दिया आई, ऐसे मैंने कर दिया। यहाँ पे भी प्लस का साइन दे देता हूँ मैं, तो टेबल में क्या आएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 प्रिंट कर दिया। फिर स्टार माने मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई दिखाई देगा। फिर आई में क्या है, तो आई में 1 2 3 4 तो आ ही रहा है, तो वहाँ पे आई प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पे स्पेस देगा, स्पेस के जगह पे मैं बराबर का साइन दे दूँ क्या, दे दिया। और फिर अब क्या होगा, यहाँ पे जो है टेबल प्रिंट होगा। देखिएगा आप लोग रिजल्ट क्या आता है, ये देखिए, ये रिजल्ट कुछ इस तरह से आ गया हमारा। लेकिन मैं थोड़ा सा स्पेस और देना चाहूंगा यहाँ पे, तो इस तरह से जो है हमारा रिजल्ट आ गया, ये देखिए 2 का टेबल प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे 20 करेंगे तो 20 का टेबल प्रिंट हो जाएगा, ये देखिए ऐसे। तो इस तरह से हम टेबल प्रिंट कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला चीजें आप लोगों को समझ में आया होगा, बाकी हम कल देख लेंगे।